हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। अभी शाम का टाइम है और ये पीछे हमारे देख सकते हैं जो हमारा होमवर्क हो रहा है। अभी शाम के टाइम में यहीं पे हूँ, काम बंद है और फिर अब कल सुबह काम स्टार्ट होगा। तो फिलहाल शाम हो चुके हैं, शाम के 6 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं जहाँ पे मैं घर बना रहा हूँ, इस घर के आजू बाजू का जो नज़ारा है, वे गाँव से आउट नया घर बना रहा हूँ। और ये पीछे में आप देख रहे होंगे बड़े बड़े बागीचे। तो घर बनने के बाद यहाँ का जो आउटर लोकेशन होगा काफ़ी शानदार होगा, हरियाली से भरा हुई जगह होगी। तो अभी चूँकि शाम का टाइम था तो मुझे याद आया साग का। यहाँ से मुंबई जाने के बाद जो है कि मैं किसी चीज़ को लेकर अगर जो थोड़ा सा पछतावा था रहता था मुंबई में, तो साग, क्योंकि मैं जब गांव में रहता था तो मेरा साग और चावल ठंड के मौसम में मेरा फेवरेट डिश रहता था। और मुंबई जाने के बाद मैं इस चीज़ को बहुत मिस करता था। और अभी शाम का चूँकि टाइम था और मैंने सोचा क्यों ना आपको भी अपने फेवरेट डिश के बारे में बताया जाए। तो फेवरेट डिश ये है कि अभी जो ठंड का मौसम है तो आजकल जो खेतियाँ होती हैं उसमें बथुआ, चना, मटर, इन सब चीज़ों का जो है कि पैदावार, उपज, फसल उपज होती है। और इसका जो साग बनाया जाता है बाग काफ़ी फेवरेट होता है। पालक का जो मार्केट का जो साग मिलता है वो तो होता ही है, लेकिन गांव का जो देसी साग होता है ना, वो चने का साग और बथुए का साग होता है। तो बथुए का साग कैसा होता है वो मैं अभी आपको दिखाऊँगा। आइए देखते हैं बथुआ का साग। तो जहाँ पर हमारा घर बन रहा है बिल्कुल इसके पास में ही आपको बथुआ जो साग होता है वो मिल जाएगा। अभी यहाँ मैंने पास में के खेत में जो सरसों का ये फसल बोया गया है, इसी फसल के बीच में आपको बथुआ मिल जाएगा। तो ये जो फसल बोई हुई है ये सरसों की है, आप देख सकते हैं जिससे वो तेल निकलता है, राई का तेल जिसे बोलते हैं। तो ये सरसों का फसल अभी काफ़ी छोटा है, 3-4 पत्ते का ही हो रखा है। और इसी बीच में हमको बथुआ भी मिल जाएगा। ये रहा बथुआ, ये आप देख रहे हैं ये। तो इसका जो है कि साग होता है ना, काफ़ी लाजवाब होता है, चावल के साथ खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो ये चीज़ था। बाकी आप में से किस किसने खाया है बथुए का साग कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को हो सके तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। और जो भी नए लोग आए हमारे चैनल पे, जो नए व्यूअर्स हैं, वो अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कुछ ऐसे ही गांव के अभी फ़िलहाल जो है 10-15 दिन अभी मैं गांव में रहने वाला हूं, उसके बाद मुंबई जाऊंगा। तो जब तक गांव में हूं तब तक गांव का जो कुछ देसी चीज़ है वो आप सब वो आपसे रूबरू कराई जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।